हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सिस बैंक के ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब दोस्तों, वैसे तो एक्सिस बैंक के कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास भी एक्सिस बैंक के 4 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक्सिस सेलेक्ट, एक्सिस नियो, एक्सिस माई जोन और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक। तो अब आपको कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहिए ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्लिपकार्ट ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड लेना चाहिए। अगर आप ग्रोसरी वगैरह ज़्यादा मंगाते हैं तो आपको एक्सिस बैंक का सेलेक्ट कार्ड लेना चाहिए। या फिर अगर आप स्विगी जोमेटो पे फूड ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, हर महीने मूवी टिकट्स परचेज करते हैं, तब आपको एक्सिस बैंक नियो या एक्सिस बैंक का माइजोन कार्ड लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नीड है बिल पेमेंट्स की, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा बिल पेमेंट्स करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट हो, मोबाइल बिल पेमेंट हो, तो उस केस में आपको ये कार्ड लेके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस केस में दोस्तों, आपको जो कार्ड लेना चाहिए वो है फ्लिपकार्ट प्लस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारे कई सारे यूज़र्स को फ्लिपकार्ट प्लस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में अप्रूव हुआ है और ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल भी रहा है। तो अगर आपको एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप फ्रीचार्ज प्लस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपका ये कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और आपको ये कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है वह भी बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। और अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही अगर आप फ्रीचार्ज प्लस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपको एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड क्यों अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, इस कार्ड का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होता है और 30 डेज के भीतर में आप इस कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको 700 रुपीज वर्थ के गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं। यानी कार्ड अप्रूवल होते ही आपको 700 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। और ये जो 700 रुपये के वाउचर मिलेंगे ये आपको इन सारे लिस्टेड ब्रांड्स में से किसी के भी वाउचर मिल सकते हैं, जैसे कि स्पार, उबर, पीवीआर सिनेमा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अर्बन कंपनी, बिग बास्केट, कैफे कॉफी डे और डोमिनोज। आप अपने मनपसंद वाउचर यहाँ से चूज कर सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट में पूरा प्रोसेस दिया गया है किस तरह से आपको इन वाउचर्स को रिडीम करना है। अब दोस्तों, इस कार्ड का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है, जब भी आप इस कार्ड से फ्रीचार्ज पे कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक वहाँ पे मिलेगा, 2% का कैशबैक मिलेगा आपको लोकल कम्यूट पे और 1% का कैशबैक आपको अदर्स किसी भी कैटेगरी के स्पेंड्स पे मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप फ्रीचार्ज पे वॉलेट लोड करते हैं, फ्यूल पे स्पेंड्स करते हैं, कैश विड्रॉवल करते हैं अपने कार्ड से, गोल्ड आइटम या ज्वेलरी परचेज करते हैं, गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं, अपने किसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं या किसी भी तरह का कोई रेंटल पेमेंट करते हैं इस कार्ड से, तो उस केस में आपको किसी तरह का कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एक्सिस बैंक के कई सारे रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर्स किया हुआ है, तो अगर आप उन रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग करेंगे और इस कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप फ्रीचार्ज प्लस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स के बारे में फिर से बताया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अनलिमिटेड कैशबैक, 5% कैशबैक ऑन ऑल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। साथ ही इस कार्ड में आपका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होगी। और साथ ही इस कार्ड की नॉमिनल ज्वाइनिंग फीस है 350 प्लस जीएसटी और एनुअल फीस भी है 350 प्लस जीएसटी। तो ज्वाइनिंग फीस तो दोस्तों आपकी वेव ऑफ हो जाती है क्योंकि 700 रुपये का आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाता है और एनुअल फी को वेव ऑफ कराने के लिए आपको साल भर में केवल 50,000 रुपये का स्पेंड इस कार्ड से करना है और आपकी एनुअल फी भी वेव ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम मंथली इनकम 20,000 रुपीज होनी चाहिए। उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आपको इस कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, लेकिन 20,000 या उससे ज़्यादा की इनकम है तब आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तब आप इस कार्ड को अप्लाई कीजिए, आपको कार्ड मिल सकता है। लेकिन अगर उससे कम है तो आप वेट कीजिए, अपने सिबिल को 750 प्लस करिए, उसके बाद इस कार्ड को अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप अपना करंट सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज ही अपना फ्रीचार्ज प्लस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसलिए ये कार्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस बैंक के कई सारे कार्ड्स हैं और मुझे ये कार्ड फिलहाल नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें।